नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं फोकस टी पॉइंट, मैं हूं सोनिया। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं सिरसा तहसील की रानिया तहसील से, जहां पर किसान संयुक्त मोर्चा भारत की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। ये ट्रैक्टर रैली मेन बेसिकली जो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है उसके बेसिस पर है कि किस तरह से हर घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे और 26 जनवरी को दिल्ली में जो रैली निकाली जानी है उसमें अपना सहयोग देंगे। इसी के साथ आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर रश है और लोग भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी का जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, उसी के चलते सभी किसानों में रोष है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार पिछले 1 महीने से किसान बैठे हैं, वहीं सिरसा की बात करूं पिछले 3 महीने से पक्का मोर्चा पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। इसी के साथ ही तो सभी जो सिरसा के लगते टोल हैं वहां पर भी टोल पर्ची फ्री करवाया गया है, जिसको लेकर के सरकार को झुकाने की बात कही जा रही है, पर सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है पर इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही, जिसके चलते 26 जनवरी को भारी मात्रा में दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कि किसानों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को भी पता चले कि किसानों का जो एकजुट है वो किस तरह से है और दिल्ली में इतने लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे कि जो सरकार है वो भी इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। जेड़ी आज दी रैली ये इस गल का सबूत दे रही है, जे इन्ना कट्ठ अज होया है तो 26 तरीक न मेरे ख्याल तो हरियाणा राजस्थान पंजाब इन्ना ज़्यादा ट्रैक्टर ट्राली जाएगा कि सरकार को दिल्ली में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार झुकन तैयार नहीं हो रही, किसान सरकार बेईमान हो चुकी है क्योंकि उस को बहुमत है, वो उन्होंने परिवार पालने का कोई है नहीं, ना मोदी का कोई घरवाली, ना मोदी के बच्चे, ना खट्टड़ के बच्चे, ना खट्टड़ की पत्नी। जेड़ा किसान है उन्होंने सारी गल का पता है, वो अपना परिवार भी पालता है और परिवार का पेट भी पालता है, अपनी मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार की पालना पोषणा करता है। उन्होंने पता भी परिवार को किवें रखना है, इन्हू जो अपनी तीवी नहीं रख सकिया तो साडा संसार की रखेगा, साडा भारत को की बचा सकेगा, इन्हें कोलो कोई आस नहीं। जो सरकार अखा तो अन्नी तो कन्ना तो बोली हो जाए फिर उनके नाल जिवें हुण साडे वीर शहादत पा रहे हैं, 50-60 के करीब साडे वीर 2 दी औसत पैरी रोज़, असी जिन्ने मर्जी होर हो जाइए साढ़े को सब तो बड़ा यही मसला है कि असी अपन शहादत दे के पिछला इतिहास जाणू करवावे। पिछे भी साडा इतिहास रहा है, साडा इतिहास कहिंदा औखी बणी ते औखियां घाटियां दा होके चानना पंध विखाउण वाला बिरध सैकड़े साल दी गुम होई ऐन अखियां सामे लियाउण वाला होईआं बीतियां गल्लां पुराणियां दी नूरी झलक दी डिलक डिलकाउण वाला, कौमां सुतियां ते औखी बणन वेले झूल झूल के सिरों जगाउण वाला, कौम निरी वो जो लोत हो गई जिस दे छिपण ते मज वो दास हुंदा, जिसनों कौम दी जिंदगी आखदे ने सच पुछते वो इतिहास हुंदा। साडा इतिहास मरजीवड़ियां दे खून नाल लिखिया होया इतिहास है, असी कुरबानियां करन जाणदे हाँ ते कुरबानियां नाल राज लैणा वी जाणदे हाँ। जिहड़ियां मर्जी साडियां कुरबानियां हो जाण साडी जित जरूर होएगी, ये सरकार नूं जरूर चुकना पैगा। जदों बंदे दे सिर ते हंकार हो जाए, औरंगजेब ने किन्ना वड्डा हंकार किया, आखिर कलगीधर पातशाह महाराज ने कलम की नोक नाल मारिया, कलम की नोक नाल सारा कुछ लिख के दिता भी तू मेरे उत्ते की कुछ किया ते मैं तेरे उत्ते कुछ नहीं किया, वो अपनी लानत नाल ही मर गया। मोदी ने अपनी लानत नाल ही मर जाना है। हर वर्ग हर भाषा में मोदी को गालां दित्तियां जा रही ने, यह पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने सारिया भाषा में गालां मिल रही, इस तो वड्डा वध की होएगा जी।